नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे कि भैया जो ओमिक्रॉन जो मामला है, जो वायरस है, जी हाँ, ये कितना खतरनाक होता जा रहा है और मात्र 5 से 6 दिन में किन कितने देशों पे इसका इफेक्ट पड़ा है, कितने देशों ने फ्लाइटें बैन कर दी है, कुछ देशों ने तो सभी देशों के लिए फ्लाइटें बैन कर दी है। और यकीन मानिए, जिन देशों ने सभी देशों के लिए फ्लाइटें बैन कर दी है ना, वहाँ केस नहीं जाएंगे, ये तय बात है। इंडिया की तरह नहीं है सबकी सरकार। हम बात करेंगे डिटेल से, और ये ओमिक्रॉन किसको हो सकता है, इसके लक्षण क्या है, जैसे पहले वाले के लक्षण थे ना डेल्टा वेरियंट के, जी हाँ, इसके भी लक्षण आ चुके हैं। पूरी डिटेल से हम बात करेंगे। भैया वीडियो पूरा देखिए, अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज आपको विदेश से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। दक्षिणी अफ्रीका से शुरू हुआ ओमिक्रॉन, जी हाँ साथियों, लगभग 31 देशों में पहुंच चुका है। 376 केस अभी तक आ चुके हैं। जी हाँ, 31 देशों ने 7 देशों के लिए फ्लाइट बंद कर दी हैं। जी हाँ, 31 देश कम नहीं होते भैया, सभी देशों ने 7 देशों के लिए फ्लाइटें बैन कर दी हैं, जिसमें देखिए शुरुआत करें जापान, इजराइल, मोरक्को। जी हाँ, ये 3 देश तो ऐसे हैं कि सभी देशों के लिए फ्लाइटें बंद कर दी इन्होंने, जापान, इजराइल, मोरक्को। दोबारा सुन लीजिए, एजेंट आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेंगे। उन तीन देशों ने, जापान, इजराइल, मोरक्को ने सभी देशों के लिए, अब इंडिया हो चाहे यूके, कहीं का भी हो, सब देशों के लिए फ्लाइटें बंद, दरवाजे बंद। कब तक रखेंगे पता नहीं, क्योंकि कनाडा में जो इन देशों में, जापान में तो हालांकि कोई केस भी नहीं आया था, इजराइल में 2 केस आ गए थे, लेकिन भैया सुरक्षा अपनी पहले, इंपॉर्टेंट वो चीज़ वो है, ठीक है जी। अब इन कुछ देश ऐसे हैं, लगभग 27-28 देश, उन्होंने प्रतिबंध लगा दिए बाकायदा इन देशों पे, जिसमें चीन है, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, मालदीव, नीदरलैंड, यूके, जी हाँ कनाडा, इन ये काफ़ी सारे देश हैं, नाइजीरिया, मालवी वगैरह, कि इन देशों ने सब, इन देशों ने 7 देशों के लिए बैन लगा दिया। आप समझिए, हालांकि इंडियन सरकार कब जागेगी मुझे नहीं पता। इंडिया में भी आपको पता है कोरोना की शुरुआत, जो ओमिक्रॉन की शुरुआत हो चुकी है, बाकायदा एंटर कर गया है ओमिक्रॉन इंडिया में, 4 से 5-6 लोग जीटीयू आ चुके हैं ओमिक्रॉन से, जी हाँ। और भैया आप समझ सकते हैं इंडिया के क्या हालात हो सकते हैं अगर इंडियन सरकार ने, अरे भाई कम से कम अफ्रीकन देशों की तो 7-8 देश हैं, इनकी तो बैन कर दीजिए, कम से कम सोचने की बात है ना। जब 30-31 देश, वो पागल थोड़ी है, इनकी करेंसी इंडिया से 10 गुना ज़्यादा बड़ी है, फिर भी वो लोग अपनी इकोनॉमी को नहीं सोच रहे, जनता की सोच रहे हैं, फ्लाइटें बंद कर दी उन्होंने। तो इंडियन सरकार को भी सोचना चाहिए यार कि कम से कम 7 देशों को तो बैन कर दो, बाकी तो बाद में देखेंगे। लेकिन देखें, अभी तो स्वास्थ्य मंत्री का बयान आया था कि अभी लॉकडाउन लगाने की जरूरत नहीं है, यानी फ्लाइटें बंद नहीं करेंगे, सीधा सीधा मतलब ये हो गया, बाकी देखते हैं। अब इसके लक्षण की बात कर लेते हैं। अगर ओमिक्रॉन किसी को, मान लो वायरस हो जाता है, ओमिक्रॉन पीड़ित कोई आदमी हो जाता है, तो उसमें बॉडी में थकान आने लगती है, बदन दर्द होने लगता है, बुखार आ जाती है, सूखी खांसी आने लग जाती है, जी हाँ, गले में खराश हो जाती है, सर में दर्द होता है, रेगुलर बना रहता है, जी हाँ, हृदय की यानी दिल, फेफड़े, इसकी गति बढ़ जाती है ऑटोमेटिक। ये जो 7-8 लक्षण है, ये लक्षण अगर किसी के भी हो सकते हैं, तो भैया ऐसे लक्षण अगर आप में आते हैं तो आप तुरंत इसका चेकअप करवाएंगे तो आपके समाधान हो सकता है, वरना आपको लगेगा यार नॉर्मली तो है, कुछ नहीं होता। क्योंकि ओमिक्रॉन का एक लक्षण की बड़ी प्रॉब्लम यह है, 2 से 3 हफ्ते के बाद इसके लक्षण दिखाई देते हैं, 2 से 3 हफ्ते, आप समझ लो महीना भर ही पकड़ लेता है लक्षण आते आते, तो बंदों को पता ही नहीं लगता, रेगुलर इस प्रॉब्लम से जूझते रहते हैं। जी हाँ, एट रिस्क देश हैं, जो जैसे यूरोप कंट्री के हैं, या जितने भी देश हैं जो इंडिया में, गल्फ देशों के अलावा जो देश आ रहे हैं, वो लोग अगर इंडिया में आते हैं तो खुद के पैसे पे RT-PCR टेस्ट करवाना पड़ेगा, खुद के खर्चे पे, यह समझ सकते हैं। दुबई, कतर आप आ रहे हैं भैया, गल्फ देशों का कोई चक्कर नहीं है अभी तक की रिपोर्ट में, आगे हो जाए उसका मैं कह नहीं सकता, लेकिन अभी यूरोप देश हैं एट रिस्क, जिसको इंडियन सरकार ने एट रिस्क में डाला जाता है, यानी जिन देशों से इंडिया को खतरा है, उन देशों से अगर आप आते हैं तो RT-PCR टेस्ट करवाना पड़ेगा, इसका पैसा सरकार नहीं देगी, अपनी जेब से लगेगा। समझ गए होंगे मेरी बात को। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।